एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। आज हम देखेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के क्विक रिवीजन का सेकेंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का जो भी एप्लीकेशन है, PIB, पार्टिकल इन बॉक्स, SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, रिजिड रोटर और हाइड्रोजन एटम के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्विकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट देखते हैं हम 1D बॉक्स के लिए। देखिए 1D बॉक्स मतलब इन वन डायरेक्शन, मतलब हम सिर्फ x डायरेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे लेप्लेशियन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल x स्क्वायर आपका वेव फंक्शन प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर e माइनस v आपका फंक्शन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए जो वेव फंक्शन है, जो हम साई साई हर चीज जगह कह रहे हैं, तो हर जगह साई मॉडल के लिए अलग अलग होता है। जैसे जो आपका पार्टिकल इन बॉक्स है उसके 1D के लिए जो आपका साई की वैल्यू है वो होती है रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाई एल साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब देखिए इनमें से ऑलमोस्ट सारी चीजें डिराइव करके आई हैं, बट क्या है कि एग्जाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप डिराइव करने बैठे, तो सिंपली ये ज्यादा अच्छा है कि नेट के लिए आप मोस्टली ये सारी चीजें याद कर ले, क्योंकि नेट मोस्टली मेमोरी बेस्ड देता है और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ये सारे क्वेश्चन से लिंक क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। तो सिंपल वेव फंक्शन आपको पता चल गया। अब एनर्जी देखते हैं। एनर्जी है एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मेन चीज ये है कि एनर्जी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार, तो ये चीज याद रखने वाली, जो आपकी n की वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। देखिए अभी आप ऐसे चुप पढ़ेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये चीज याद रखना कि पार्टिकल इन बॉक्स में n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4। ओके नोड। अब नोड क्या होता है? नोड पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मिलना या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। तो देखिए किसी भी एनर्जी लेवल में आपको नोड पता करना है कि कितने नोड है, तो वो होता है n-1। जैसे n आपका, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n की वैल्यू 4-1=3, मतलब आपके फोर्थ एनर्जी लेवल में 3 नोड होंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए लेंथ। लेंथ क्या है कि लेंथ जो आपको निकालने आती है उसका फॉर्मूला होता है n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। दूसरा होता है कि आपका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में स्पेशली। तो देखिए 1D बॉक्स में क्या होता है, अगर आपकी n की वैल्यू ऑड है तो आपका फंक्शन सिमेट्री होगा, n की वैल्यू अगर आपकी इवन है तो फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा। जैसे देखिए आप अगर ड्रॉ करें वेव फंक्शन को, तो जो n की 1 है इसमें क्या है कि देखिए आपने जो वेव फंक्शन ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग देखिए अगर आप मिड से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये इक्वली दोनों साइड डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट n की वैल्यू इवन है 2 है, तो आप बीच से एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या है, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। राइट हैंड साइड में इस तरफ ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन राइट हैंड साइड में डाउन साइड में वो वैल्यू ज़्यादा है, इक्वली नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है देखिए जब आपको मैक्सिमा नोड और मिनिमा निकालने आता है, तो देखिए ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना ये नॉन सिमेट्रिक बॉक्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। नॉन सिमेट्रिक बॉक्स क्यों? क्योंकि हम 0 से एल ले रहे हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो जब भी ये नॉन सिमेट्रिक बॉक्स वाला इक्वेशन आता है आपको, जो भी रीजन दिया है 0 to L, उस केस में क्या होता है आपका जो ये पैटर्न होता है वो फॉलो करता है, मैक्सिमा फिर आता है नोड फिर आता है मिनिमा फिर आता है नोड फिर आता है मैक्सिमा, इस सीक्वेंस में फॉलो करता है। अब आपको निकालना है कि नोड कौन सा है, मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे है, मिनिमा कौन से पॉइंट पे है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपली आप L डिवाइडेड बाई 2N कीजिए, N मतलब जो भी एनर्जी लेवल के लिए निकाल रहे हैं। अब L बाई 2N जो भी वैल्यू आई उसको ऐड कर दीजिए सिमिलर वैल्यू से जो भी L डिवाइडेड बाई 2N है। नेक्स्ट जो आपका वैल्यू आएगी वो नोड की आएगी। अब जो नोड की वैल्यू आई उसमें फिर से प्लस कर दीजिए L डिवाइडेड बाई 2N, वो आपकी मिनिमा आ जाएगी। फिर से उसमें L डिवाइडेड बाई 2N ऐड करेंगे तो आपका नोड आ जाएगा। देखिए आपको ये वैल्यू तब तक ऐड करती जानी है जब तक आपका जो बाउंड्री कंडीशन है वो ना आ जाए, मतलब जो वैल्यू वो इक्वल टू L ना आ जाए। बाउंड्री कंडीशन जब तक ना आ जाए तब तक आप इसे ऐड करते रहेंगे। तो देखिए आपका मैक्सिमा मिनिमा नोड इसी सीक्वेंस में फॉलो करेगा और आपको मैक्सिमा नोड जो सेकंड वैल्यू आएगी वो नोड की होगी, थर्ड वैल्यू आपकी मिनिमा की होगी, फिर नोड होगा फिर मैक्सिमा होगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब देखेंगे 1D सिमेट्रिक बॉक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो था नॉन सिमेट्रिक बॉक्स का। देखिए अब सिमेट्रिक बॉक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है कि आप रीजन चेंज कर रहे हैं, पहले आपने 0 to L लिया था, अब इस केस में आप -L to +L ले रहे हैं, मतलब 0 के दोनों साइड ले रहे हैं, उस टाइम आपने सिर्फ एक ही साइड लिया था। ओके तो अब इसमें क्या होता है,
आपका वेव फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर आपका एन इवन है तो उस केस में क्या साइन साइन ही रहेगा? जैसे एन इवन है मतलब आपका एनर्जी लेवल आप 2 के लिए निकाल रहे वेव फंक्शन या एनर्जी लेवल 4 के लिए निकाल रहे वेव फंक्शन, तो आपका वही जो साइन है वो साइन ही रहेगा। दूसरा जो कॉस आ जाएगा आपका, अगर एन की वैल्यू ऑड है मतलब इस बार जो एन 1 है उसके लिए आप साइन की जगह कॉस यूज़ करेंगे, सिमेट्री बॉक्स के लिए 3 में भी आप कॉस यूज़ करेंगे साइन की जगह। दूसरी चीज़, आप जो रीज़न है, पहले आप 0 टू एल ले रहे थे, अब आप एल टू एल ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है जहाँ पे भी आपने L लिखा है वहाँ पे आप 2L कर देंगे। जैसे पहले क्या थी आपकी वैल्यू रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाय L, अब आएगा 2L और साइन 2 मतलब N है आपकी, N की वैल्यू N पाई X डिवाइडेड बाय L था, 2L आ जाएगा। सिमिलरली एनर्जी में भी क्या आ गया कि N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8M, L की जगह 2L का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, अब इसमें क्या अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे आप देखिए 0 टू L था, अगर आप 0 और L को प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? L, तो आपने L की जगह पे L ही रखा था। अब देखिए L माइनस L टू प्लस L है, अब आप साइन पे ध्यान मत दीजिए, सब सोचिए 2 L है, L को ऐड कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आ रही है? 2L, तो L की जगह 2L कर दीजिए। अब क्या है L हाफ माइनस और प्लस L हाफ है ना, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा? 2L, तो L की जगह पे L ही रहेगा। अब सिमिलरली आपको माइनस 2L से प्लस 2L किया है, कहा है, तो आप क्या करेंगे? 2L प्लस 2L कर दीजिए तो कितना? 4L, तो L की जगह पे आप क्या डालेंगे? 4L। तो इससे क्या आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ वो सिमिलर पैटर्न नहीं फॉलो करता है जैसे हमने देखा था मैक्सिमा नोड मिनिमा। इसमें क्या होता है, देखिए इसका एक तरीका है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी वेव फंक्शन के लिए है सिमेट्री बॉक्स का, तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो भी एन की वैल्यू ऑड है मतलब 1, 3, उसमें क्या होता है जो एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तब आपका ग्राफ या आपका वेव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा, और अगर एन की वैल्यू आपकी इवन है तो जो आपका x है जब 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब वहाँ पे एक नोड आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू बिटवीन 0 टू L 1D बॉक्स के लिए। देखिए ये भी हम फॉर्मूले से ही निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं पहले फंक्शन को। जैसे मैंने आपको एक्सपेक्टेशन का वैल्यू का थर्ड बताया था, फॉर्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, उसमें साई का कंजुगेट फंक्शन लिया था हमने और ऑपरेटर लिया था और फंक्शन लिया था, उन तीनों को इंटीग्रेट करके जो भी वैल्यू आई थी वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी। देखा अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हैं तो ये करने से रहा, इसलिए मोस्टली क्या है ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो अगर आप इन्हें याद भी कर लें तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो एक्स ऑपरेटर है उसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो एल बाई टू है, एक्स का स्क्वायर की वैल्यू होती है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। वहीं पे लीनियर मोमेंटम की होती है 0 एक्सपेक्टेशन वैल्यू, लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है डेल एम इज इक्वल टू रूट ओवर एम स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल एक्स के लिए तो ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। जो डेल पी है लीनियर मोमेंटम के लिए वो हो जाएगा एन एच डिवाइडेड बाई 2L, क्योंकि पी एक्स की जो वैल्यू वो तो 0 है और जो भी पी एक्स के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू है उसको आप रूट ओवर कर देंगे। हम देखेंगे 2D बॉक्स के लिए, सिंपल 2D बॉक्स में कुछ नहीं है, पहले आपने 1D में एक ही डायरेक्शन में लिया था, अब दो डायरेक्शन में लेंगे x और y। अब क्या है x के थ्रू डिस्टेंस अलग होगा, लेंथ होगी, और y के थ्रू ब्रेथ होगी। तो सिंपल आपने क्या किया, रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाई a साइन एन एक्स पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू रूट ओवर 2 बी जो आपका ब्रेथ है साइन एन वाई पाई वाई डिवाइडेड बाई बी। एनर्जी भी सिमिलरली यही होगी एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर 8m बी जो आपका ब्रेथ है उसका स्क्वायर। अब देखिए मोस्टली ये तो आता नहीं है, मोस्टली आपसे क्वेश्चन में स्क्वायर बॉक्स ही पूछते हैं। अब स्क्वायर बॉक्स में क्या है, आपका ए और बी इक्वल हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, तो आप फॉर्मूले में जहाँ पे भी बी है उस एक्स के लिए तो ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। जो डेल पी है लीनियर मोमेंटम के लिए वो हो जाएगा एन एच डिवाइडेड बाय 2L, क्योंकि पी एक्स की जो वैल्यू वो तो 0 है और जो भी पी एक्स के स्क्वायर का
एवरेज वैल्यू है उसको आप रूट ओवर कर देंगे। इसे हम देखेंगे 2D बॉक्स के लिए। सिंपल 2D बॉक्स में कुछ नहीं है, पहले आपने 1D में एक ही डायरेक्शन में लिया था, अब दो डायरेक्शन में लेंगे एक्स और वाई। अब क्या है, एक्स के थ्रू डिस्टेंस अलग होगा, लेंथ होगी, और वाई के थ्रू ब्रेथ होगी। तो सिंपल आपने क्या किया, रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाई ए साइन एन एक्स पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू रूट ओवर 2 बी जो आपका ब्रेथ है साइन एन वाई पाई वाई डिवाइडेड बाई बी। एनर्जी भी सिमिलरली यही होगी, एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर 8m बी जो आपका ब्रेथ है उसका स्क्वायर। अब देखिए मोस्टली ये तो आता नहीं है, मोस्टली आपसे क्वेश्चन में स्क्वायर बॉक्स ही पूछते हैं। अब स्क्वायर बॉक्स में क्या है, आपका ए और बी इक्वल हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, तो आप फॉर्मूले में जहाँ पे भी बी है उसकी जगह आप ए लिख सकते हैं। एनर्जी भी सिमिलरली आप कॉमन ले लेंगे, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m ए स्क्वायर और एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो बहुत आता है वो आता है डीजेनरेसी निकालने वाला। 2D बॉक्स में क्या होता है, अगर आपकी एन एक्स और एन की वैल्यू सेम है तो डीजेनरेसी 1 होगी, लेकिन अगर आपके एन एक्स और एन वाई की वैल्यू डिफरेंट है तो आपकी डीजेनरेसी 2 होगी। जैसे फर्स्ट केस में अगर 1-1 है, एन एक्स भी 1 है एन वाई भी 1 है तो आपकी डीजेनरेसी 1 होगी, लेकिन एन एक्स 1 है एन वाई 2 है तो आपकी डीजेनरेसी 2 होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 3D बॉक्स। सिंपल 3 डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वेव फंक्शन ले लेंगे, वही लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई, ए आपकी लेंथ, बी आपकी ब्रेथ और सी आपकी हाइट हो गई। सिमिलरली रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाई एल की जगह ए साइन एन एक्स पाई एक्स डिवाइडेड बाई ए, ठीक है लेंथ। दूसरा ब्रेथ वाले केस में या वाई वाले डायरेक्शन में रूट ओवर 2 बी साइन एन वाई पाई वाई डिवाइडेड बाई सी इंटू रूट ओवर 2 सी साइन एन एन जेड पाई जेड डिवाइडेड बाई सी। अब ये वाला भी एग्जाम में मोस्टली आता नहीं है, आपको वेव फंक्शन पूछ सकते हैं बट कुछ इसका इतना ज़्यादा नहीं आता, मोस्टली आता है तो क्यूब बॉक्स आता है आपको देते हैं। तो क्यूब बॉक्स में सेम जो भी एक्स वाई जेड के अलॉन्ग जो भी डायरेक्शन था आपका ए बी सी इक्वल टू एल हो जाएगा। ओके तो इसमें आपका वेव फंक्शन तो आपको पता है क्या हो जाएगा, एक्स ए बी सी की जगह आप एल रख लिख दीजिएगा। और जो एनर्जी है उसमें सेम आपका एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। देखिए अब डीजेनरेसी में निकालने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें एन एक्स एन वाई और एन जेड तीनों इक्वल हैं तो डीजेनरेसी 1 है, सपोज तीनों 1-1 है। नेक्स्ट एन एक्स और एन वाई तो सेम है बट एन जेड अलग है तो डीजेनरेसी 3 होगी, मतलब पहले दो 1-1 है और एन जेड 2 है। अब क्या तीनों अलग अलग है, एन एक्स अलग है एन वाई अलग है एन जेड अलग है, मतलब 3, 2, 4 है तो उसकी डीजेनरेसी 6 होगी। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी दिसंबर 2019 4 मार्क्स में, इसका भी हम एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन में कैसे करेंगे जब हम क्वेश्चन वाली वीडियो देखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये वैसे इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है। जो 1D बॉक्स होता है उसके जो दो एनर्जी लेवल हैं आपके एडजेसेंट एनर्जी लेवल हैं उनकी जो स्पेसिंग होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। पहले की मान लीजिए x है तो आगे वाले की 2x, फिर ऐसे ऐसे करके उनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। जो 2D और 3D बॉक्स है उनमें क्या है, रैंडम स्पेसिंग है, पहले दो एनर्जी लेवल में कम है तो आगे जाके दूसरे में ज़्यादा है, आगे वाले में जाके फिर से दोनों के बीच में जो गैप है वो कम है, तो रैंडम स्पेसिंग है, कभी बढ़ी कभी ज़्यादा हो रही है, कंटिन्यूसली ना बढ़ रही है ना कंटिन्यूसली कम हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, ये सेकेंड मॉडल है श्रोडिंगर की एप्लीकेशन का। देखिए इसमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो होती है, पहले हम 1D वाला लेते हैं, इसमें क्या होता है डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। देखिए अल्फा जो है वो इक्वल होता है 2ME डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है MK डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर। ओके तो अब जो वेव फंक्शन है अपने 1D के लिए 2D के लिए और पार्टिकल इन बॉक्स के लिए जो भी वेव फंक्शन देखा था वो अलग था, अब सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के लिए जो वेव फंक्शन है वो होता है NHN जाई e^2 माइनस जाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जो SHO की लिमिट होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें क्या है, N जो है आपका वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, HN आपका हर्माइट पॉलिनोमियल है,
जाई की वैल्यू होती है रूट ओवर बीटा एक्स, और एन है जो एस एच ओ में, एन आपका जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये चीज याद रखना, एस एच ओ में एन जीरो से स्टार्ट होता है और पार्टिकल इन बॉक्स में 1 से स्टार्ट होता है। अब देखिए, अब एन कैसे निकालेंगे आप, एच एन कैसे निकालेंगे, एन जो होता है, एन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर एन, एन फैक्टोरियल बीटा बाई पाई टू द पावर 1/4। देखिए अब इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट आप कैसे निकालेंगे, सिंपल, जो भी आपकी एन की वैल्यू है, अब सपोज ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल ले, तो एन की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0, और एन फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1, जो आपका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट निकलेगा ग्राउंड स्टेट के लिए, वो निकलेगा बीटा डिवाइडेड बाई पाई टू द पावर 1/4। सिमिलरली आप एन की जगह पे जो भी एनर्जी लेवल है आपका, 1 के लिए निकाल रहे हैं तो 1 रखेंगे, 2 के लिए निकाल रहे हैं 2, सिंपल। तो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट बहुत ईजी है निकालना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एच एन, जो आपका हर्माइट पॉलीनोमियल, आप कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर एन, मतलब वही एनर्जी लेवल जो भी आपका, ई टू द पावर जाई स्क्वायर, जाई की वैल्यू आपको पता है रूट ओवर बी एक्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो क्या होगा, बीटा एक्स स्क्वायर डेल एन, मतलब वही आपका एनर्जी लेवल यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, डिवाइडेड बाई डेल जाई एन ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर, जहाँ पे भी जाई लिखा है वहाँ पे बीटा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपल ये फॉर्मूला है हर्माइट पॉलीनोमियल निकालने का। अब से नेक्स्ट है एनर्जी, एस एच ओ की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन प्लस हाफ एच म्यू। देखिए एन जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो के लिए निकालना है तो हाफ एच वी होगा, 1 के लिए निकालना है तो 3/2 एच वी होगा। इसी तरह से आप एनर्जी निकाल सकते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए। जो म्यू होता है उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ओवर के डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू आपका रिड्यूस मास है और के आपका फोर्स कांस्टेंट है। अब देखेंगे नोड एसओजी के लिए क्या होता है। देखिए नोड होता है इक्वल टू एन, मतलब जीरो लेवल पे नोड जीरो होगा, 1 लेवल पे नोड 1 होगा, 2 लेवल पे नोड 2 होगा, मतलब जो एनर्जी लेवल है नोड भी उसी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, देखिए आपने 1D बॉक्स में देखा था इवन के लिए कौन सा फंक्शन था, एंटी सिमेट्रिक, और ऑड वाले के लिए सिमेट्री, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अगर आपके पास इवन फंक्शन है, मतलब 2, 4, 0, तो आपका जो वेव फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक होगा। अगर आपके पास n ऑड है, मतलब वेव फंक्शन ऑड वाले एनर्जी लेवल के लिए एंटी सिमेट्रिक होगा, मतलब 1 के लिए, 3 के लिए आपका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है। अब जो यहाँ पे सीक्वेंस है मैक्सिमा मिनिमा का, वो उल्टा होता है। यहाँ पे पहले मिनिमा होता है, नोड होता है, फिर मैक्सिमा होता है, फिर मिनिमा, फिर नोड, फिर मैक्सिमा। अब जो एनर्जी लेवल की स्पेसिंग है एस एच ओ में, वो कांस्टेंट होती है, मतलब एक ही होती है। 0 और 1 के बीच में भी डिफरेंस, जो गैप है वो एच वी होगा, 1 से 2 के बीच में भी एच वी है, 2 से 3 के बीच में भी एच वी होगा। देखिए अब ग्राउंड स्टेट की फंक्शन है, वो मोस्टली वही आता है एग्जाम में, तो वो निकाल के रखा है बीटा बाई पाई टू द पावर 1/4 आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल के आया है। आपका यहाँ पे जो हर्माइट पॉलीनोमियल है उसकी वैल्यू 1 है 0 के लिए, और ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है। अब हम देखेंगे एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये भी निकाल के पहले से रखी हुई है। देखिए इसमें क्या है कि जो एक्स है, एक्स ऑपरेटर के लिए 0 होगी, एक्स के स्क्वायर के लिए एन प्लस हाफ 1/बीटा होगी, जो लीनियर मोमेंटम है वो 1D के लिए भी 0 था, इसके लिए भी 0 होगा, और पी एक्स स्क्वायर जो लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर है उसके लिए होगी एन प्लस हाफ बीटा एच कट स्क्वायर। अब अनसर्टेनिटी देखेंगे तो x के लिए रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई 2 बीटा होगी, अगर n हमने 0 लिया, 0 एनर्जी लेवल के लिए। जो लीनियर मोमेंटम का अनसर्टेनिटी है वो होगी रूट ओवर बीटा बाई 2 एच कट फॉर ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट हम देखेंगे 2D SHO। देखिए 2D SHO में 2 केस आते हैं, एक होता है आइसोट्रोपिक, एक होता है एनआइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक में क्या, आपकी म्यू की वैल्यू एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम होगी, एनआइसोट्रोपिक में एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब जो वेव फंक्शन है वो आप एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में 2 अलग अलग डायरेक्शन में लेंगे, तो जो भी वेव फंक्शन है आप वापस से y की टर्म में x और y ऐड कर दीजिए। अब e एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, देखें आइसोट्रॉपिक में क्या है, म्यू की वैल्यू सेम है, h म्यू को हम कॉमन ले लेंगे nx प्लस ny प्लस 1। अब ये तो आइसोट्रॉपिक हो गई, इसमें e की एनर्जी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। एनआइसोट्रॉपिक में क्या है, अब म्यू x और म्यू y दोनों डिफरेंट है अलग अलग डायरेक्शन में, तो इससे हम कॉमन नहीं लेंगे, nx प्लस हाफ h म्यू x
प्लस एन वाई प्लस हाफ एच म्यू वाई लेंगे। अब एनआईसीट्रोपिक मोस्ट कॉमनली आता नहीं है, एग्जाम में आपके आइसोट्रोपिक की एनर्जी निकालने ही आएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन पूछा जाता है क्वेश्चन वो होता है डीजेनरेसी का। देखिए 2D में क्या होता है, आपकी डीजेनरेसी इक्वल होती है आपकी एनर्जी से। देखिए फर्स्ट की आप एनर्जी निकालिए तो क्या होगा, एन एक्स जीरो है, एन वाई भी जीरो है, प्लस वन एच वी, तो आपकी एनर्जी हो जाएगी एच वी, तो आपकी डीजेनरेसी कितनी होगी, वन। इसके आगे कौन सा कॉन्स्टेंट है, वन, तो वन। नेक्स्ट है आपका वन और जीरो जो सेकेंड एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी ऐड करिए तो आपकी कितनी हो जाएगी, टू एच वी, तो आपकी डीजेनरेसी होगी टू। थर्ड में आपकी एनर्जी निकाले तो कितनी होगी डीजेनरेसी, थ्री एच वी, तो आपकी डीजेनरेसी हो जाएगी थ्री। तो ये सबसे इजी वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3DSHO। देखिए 3DSHO में भी मोस्टली हम आइसोट्रोपिक का ही केस लेंगे जिसमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में म्यू की वैल्यू सेम है, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस थ्री बाई टू, क्योंकि वन बाई टू को आप तीन बार ऐड करें तो थ्री बाई टू होगी, एच वी कॉमन आ गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू सम प्लस थ्री बाई टू एच वी। अब देखिए एनर्जी तो इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन जो मोस्टली आप पूछा जाता है आपकी डीजेनरेसी क्या है। देखिए यहाँ पे जो एन है वो एन है एन एक्स एन वाई और एन जेड का सम है, इन तीनों के सम को हमने n लिया है, ठीक है। अब इसमें हम डीजेनरेसी निकालने तो हम क्या करेंगे, n प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, और आपकी डीजेनरेसी आ जाएगी। अब देखिए मोस्टली क्वेश्चन में आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको क्या करते हैं एनर्जी दे देते हैं और आपसे डीजेनरेसी पूछते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, एनर्जी जो भी दी हुई है माइनस कर दीजिए थ्री बाई टू से, तो आपकी एन की वैल्यू निकल जाएगी। एन की वैल्यू मतलब तीनों जो भी एन एक्स एन वाई और एन जेड है उसका सम निकल जाएगा। अब एन की वैल्यू को आप डीजेनरेसी के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, तो आपकी डीजेनरेसी निकल जाएगी। कि एनआइसोट्रॉपिक में तीनों डायरेक्शन में म्यू की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो आपका वही होगा, हम इंडिविजुअली एच वी वाल एन एक्स के साथ एन वाई के साथ एच म्यू वाई और एन जेड के साथ एच म्यू जेड लेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम मॉडल। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी लगता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि देखिए इसमें क्या, हम एक्स वाई जेड जो बहुत कॉमन और बहुत ईजी डायरेक्शन होती है वो नहीं लेते। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, आप एक मॉलिक्यूल से एक एटम से डील कर रहे हैं, तो इसमें क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाती हैं। अब आप एक्स की जगह लेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की जगह लेंगे आर साइन थीटा साइन फाई, जेड की जगह लेंगे आर कॉस थीटा, और आपको पता है लिमिट इनकी क्या होगी, आर की जीरो से इन्फिनाइट, थीटा की होगी जीरो से पाई और फाई की होगी जीरो से टू पाई। और वॉल्यूम एलिमेंट आपको पता ही है, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो लेप्लेशन था हमारा 1D बॉक्स के लिए, उसमें आपने देखा होगा सिंपल था, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे आपका लेप्लेशन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डेल डिवाइडेड बाई डेल आर डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू डेल बाई डेल आर प्लस 1 आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। देखिए अब जहाँ जब भी SHO के लिए आप लेप्लेशन देखेंगे तो आपको ये टर्म याद आनी चाहिए, एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाली नहीं, ठीक है। अब क्या है, जो शोडिंजर इक्वेशन होती है हाइड्रोजन एटम के लिए वो होती है लेप्लेशन का स्क्वायर, जो ऊपर वाला लेप्लेशन है उसका साई वेव फंक्शन है, प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो, वी आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए इसमें क्या है, जो भी आपका वेव फंक्शन है वो दो टर्म से मिलके बना होता है, दो पार्ट से मिलके हाइड्रोजन एटम में, पहला होता है आपका रेडियल पार्ट, दूसरा होता है आपका एंगुलर पार्ट। तो जो रेडियल पार्ट होता है वो डिपेंड करता है एन और एल पे, एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल आपका एजमुथल क्वांटम नंबर, और दूसरा जो आपका फाई है वो डिपेंड करता है एल और एम पे, एल होता है आपका एजमुथल और एम होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई एम श्योर आपको पता है कि एजमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास 1s है ऑर्बिटल, तो 1 तो आपका n की वैल्यू हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l की वैल्यू आपकी 0 होगी क्योंकि s की वैल्यू कितनी होती है 0। ओके सो देखिए इसका फॉर्मूला होगा माइनस रूट ओवर
2z डिवाइडेड बाय n ah, ah कांस्टेंट है h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू e स्क्वायर और z आपका है एटॉमिक नंबर का क्यूब होल क्यूब। उसके बाद है n माइनस l माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n इन ब्रैकेट n माइनस l का फैक्टोरियल का क्यूब ओके इनटू e टू द पावर माइनस 2zr डिवाइडेड बाय 2n a नॉट, a नॉट आपका बोहर रेडियस है, रो टू द पावर l, l टू द पावर 2l प्लस 1 और बेस में होगा n प्लस 1 इनटू रो। अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे भी ये आएगा भी नहीं बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लेग्यूर पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसमें आपको थीटा निकालने के लिए आएगा जो l और m पे डिपेंड करता है। इसका होता है एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर 2l प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 l माइनस m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय l प्लस m का फैक्टोरियल। देखिए अब इसमें क्या है कि जो m जो दो आपको ऐसे लाइन के बीच में दिख रहा है इसका मतलब ये है कि अगर m माइनस होगा वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। प्लस है तो ठीक है लेकिन अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है अगर m की वैल्यू माइनस में आती है तो आप उसे माइनस नहीं लिखेंगे, आप उसे प्लस में ही लिखेंगे। अगर माइनस 3 है तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू 3 ही लिखेंगे इनटू पी एल एम कॉस थीटा। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? सिंपल आप क्या करेंगे, माइनस 1 रूट ओवर m। अगर m पॉजिटिव है मतलब m अगर आपका 5 है तो आप क्या करेंगे माइनस 1 की पावर 5 कर देंगे, तो माइनस 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 1 ओके। अगर आपकी m की वैल्यू 0 है, मान लीजिए m की वैल्यू 0 है तो ठीक है 1 ही आएगा, लेकिन अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो भी मतलब आपकी माइनस 5 है तो आप उसे सिंपल 1 रखेंगे। इस तरह से आपका एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। नेक्स्ट देखिए आप सोचेंगे पी एल और m क्या है, इसको भी हम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर m डिवाइडेड बाई 2। देखिए m वापस से वो दो लाइन के बीच में मतलब नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव रखेंगे आप, फिर इनटू डेल डिफरेंशिएशन m की पावर डिवाइड बाई डेल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन m की पावर और पी एल एक्स। ठीक है अब इसमें क्या है, पी एल का फॉर्मूला आप देखेंगे तो पी एल का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 2l, l आपका एजमुथल है और l का फैक्टोरियल, l की वैल्यू जितनी, अगर s है आपके पास तो l की वैल्यू 0 होगी, p है तो p ऑर्बिटल की वैल्यू 1 होती है, 2 द पावर 1 होगा l और 1 का फैक्टोरियल, और डिफ्रेंशिएट करेंगे आप टू द पावर डी एल डिवाइडेड बाई डी एक्स एल और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर l। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगर आपको थीटा निकालना है तो सबसे पहले आप पी एल की वैल्यू निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूले से, फिर आप इस पी एल की वैल्यू पुट करेंगे पी एल टू द पावर m के फॉर्मूले में, और फिर पी एल m की वैल्यू आप पुट करेंगे थीटा वाले फॉर्मूले में, इसे आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फाई कैसे निकालते हैं। फाई का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 पाई ई टू द पावर 1 m फाई। m की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो आप i फाई लिखेंगे, और अगर m की वैल्यू आपकी माइनस 1 है तो आप लिखेंगे माइनस आयोटा फाई। अब देखिए आपको अगर ऑर्बिटल दिया है तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको रेडियल पार्ट दिया है, एंगुलर पार्ट दिया है, और उसमें आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, l क्या है, m क्या है, वैल्यू क्या है इनकी, तो उस केस में आप कैसे पहचान सकते हैं कि n की वैल्यू क्या है। देखिए रेडियल पार्ट अगर आपको दिया हुआ है तो सिंपल, अगर जो आपके पास जो भी आपका एक्सपोनेंशियल का टर्म होगा माइनस जेड आर डिवाइडेड बाई एन ए नॉट, ए के साथ जो भी टर्म होगा n वही होगा। जैसे सपोज आपको दिया हुआ है कि e टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 ए नॉट, तो आपकी n की वैल्यू होगी 3। ये रेडियल पार्ट में आप n की वैल्यू कैसे पहचानेंगे, और रेडियल पार्ट में आप देखिए l कैसे पहचानेंगे आप रेडियल पार्ट में, अगर आपको एक्सपोनेंशियल के आगे प्री एक्सपोनेंशियल जो भी r है, आर की जितनी मिनिमम पावर होगी जो भी, जैसे आपको दिया हुआ है आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर वन ओके, तो आप इसमें से आर की पावर जो सबसे कम है वो आपकी एल की वैल्यू होगी ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप एल को कैसे पहचानेंगे जब आपको एंगुलर पार्ट दिया है, इस बार रेडियल पार्ट ने एंगुलर पार्ट दिया है, तो आप क्या करेंगे, जो भी साइन थीटा या फिर कॉस थीटा है उन दोनों की पावर का जो भी सम होगा, या सिंगल साइन थीटा की जो भी मैक्सिमम पावर है वो आपकी एल होगी। सपोज देखिए अगर आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो दोनों की पावर 1 1 है, आप ऐड कर देंगे 2 हो गया, प्लस
साइन क्यूब थीटा है, मतलब साइन की पावर 3 है। तो अब इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा पावर किसकी हुई, 3 की, तो आपकी एल की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर इनटू में है दो टिग्नोमेट्रिक टर्म तो आप उनकी पावर ऐड कर देंगे, लेकिन प्लस में है तो आप उनकी पावर ऐड नहीं करेंगे, फिर वो इंडिविजुअली जो पावर है वही हम देखेंगे। देखिए एम की वैल्यू पता करने का एक ही तरीका है, एंगुलर पार्ट जब आपको दिया होगा तो एक्सपोनेंशियल में आयोटा और फाई के साथ जो भी वैल्यू है वो एम की वैल्यू होगी। सपोज अगर -3 है तो मतलब आपकी एम की वैल्यू है -3, अगर माइनस है सिर्फ माइनस आयोटा फाई तो आपकी एम की वैल्यू -1 है। अगर देखिए अगर ई टू द पावर आयोटा फाई वाला टर्म है ही नहीं एंगुलर पार्ट में तो आपकी एम की वैल्यू 0 होगी। देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोड। अब जो हाइड्रोजन एटम है उसमें 3 तरह के नोड होते हैं, एक तो होता है आपका रेडियल नोड जिसकी वैल्यू होती है n-l-1, दूसरा होता है आपका एंगुलर नोड जिसकी वैल्यू होती है l, अजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है, और तीसरा होता है आपका टोटल नोड, रेडियल प्लस एंगुलर होता है n-1। या तो आपको डायरेक्ट ऑर्बिटल दिया है और उससे आपको नोड पूछे, या तो फिर आपको रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दिया होगा उसमें आपको l, n और m पहचानना है, उसके बाद आपको नोड निकालने आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होती है -e² मतलब आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय 8πε0a0 इनटू z² डिवाइडेड बाय n² तो आपका वही कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और z होता है आपका एटॉमिक नंबर कितना है, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया। ओके तो आप क्या जो भी ये फर्स्ट में जो भी कांस्टेंट है इनको जब सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू होती है -13.6। देखिए ये वाली जो वैल्यू वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है एनर्जी निकालने तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको AU एटॉमिक यूनिट में एनर्जी निकालनी है तो उसमें केस में होगा -0.5 z² डिवाइडेड बाय n². अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन एटम की वो होती है -e² इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू r, r आपका डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट आपकी जो डिजेनरेसी है वो होती है n² देखिए जो भी n की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, अगर आपको कहा गया है कि स्पिन इंक्लूडेड है तो n² को आप इंटू कर दोगे 2 से। अब देखिए नेक्स्ट है a0 बोहर रेडियस, देखिए a0 का फॉर्मूला होता है जो भी रेडियस है 4πh² डिवाइडेड बाय me² m आपका मास है। अब इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो भी कांस्टेंट वैल्यू आई है वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखिए जो नोड एब्सेंट होता है वो किस किस ऑर्बिटल में नोड एब्सेंट होता है, 1s में, 2p में, 3d में और 4f में, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इनका नोड 0 आएगा। अब देखिए इनके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का फॉर्मूला होता है सिर्फ इन्हीं के लिए वो होता है n² a0 डिवाइडेड बाई z, n की जो भी वैल्यू है 1, 2, 3 वो इधर आ जाएगा, a0 आपका रेडियस है बोहर रेडियस और z आपका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो हमेशा 1 ही होगा, और हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे He+ Le+ तो उनके लिए आप Z की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एवरेज वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। देखिए पहले हम वेव फंक्शन देख लेते हैं 1s के लिए, जो भी हाइड्रोजन एटम का है वो है 1/√πa^3/2e^-r/a। नेक्स्ट देखिए हमने जैसे 1D और SHO में देखा था ऑपरेटर x के लिए जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी, यहाँ पे x के बदले मैंने आपको बताया था x के बदले यहाँ पे r है जो पोजीशन की टर्म है, तो उसके लिए होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो निकल के आती है सॉल्व करने के बाद वो होती है a0 डिवाइडेड बाय 2z इनटू 3n² -l l+1। अगर आपको l और n की वैल्यू पता है तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं r के लिए, और r स्क्वायर की होती है a0² n² 2z² 5n² -3l l+1+1। देखिए यहाँ पे PR के लिए अगेन 0 होगी, हमने तीनों में देखा है तीनों में 0 है। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो होती है h² डिवाइडेड बाई 2ma02, और जो PR स्क्वायर के लिए होती है वो होती है h² डिवाइडेड बाई a02। अब देखिए 1/r के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है z डिवाइडेड बाई a0n², जो भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू आप डाल दीजिए तो उसके लिए हमारी एवरेज वैल्यू पता लग जाएगी। अब 1/r² के एवरेज वैल्यू होती है z² डिवाइडेड बाई a² n³ l+½। अब अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो डेल PR के लिए होगी h² डिवाइडेड बाई a0, और डेल r के लिए हो जाएगी
रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई 2 ए नॉट। याद रखिएगा ये अनसर्टेनिटी है। देखिए एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट फॉर्म है, जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉन की 1s ऑर्बिटल में हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ 1s ऑर्बिटल के लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 - e^(-2d)(2d²+2d+1) अलोंग बोहर रेडियस। अब इसमें कैसे डी का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सिंपल, अगर आपको दिया है 0 to a0 तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर आपको दिया है 0 to 2a0 आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर आपको बोला है कि 0 to 3a0 तक प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, जो भी ए नॉट के आगे कांस्टेंट है। अब डी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन की अलोंग बोहर रेडियस। अगर आपसे कुछ और पूछ सकता है कि आउटसाइड बोहर रेडियस क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 100 माइनस जो भी अलोंग आई है इस फॉर्मूले से, उसको माइनस कर दीजिए, तो आउटसाइड बोहर रेडियस निकल जाएगी। और ये है विद इन या अलोंग बोहर रेडियस का फॉर्मूला। और आउटसाइड निकालने के लिए 100 माइनस जो भी इससे आपका आंसर आया उसको माइनस कर दीजिए, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। देखिए नेक्स्ट हम ग्राफ देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, पहले एस ऑर्बिटल का देखेंगे, फिर पी, फिर डी। देखिए एस ऑर्बिटल में हम 1s का पहले देखते हैं। 1s में आप नोड देखेंगे, तो नोड क्या है, 0। तो जो नोड है नीचे r वाले में, वो एक बार भी टच नहीं होगा, ओके। अब दूसरा जो 2s है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो s वाले ऑर्बिटल का है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, ठीक है। अब 3s में क्या है, 3s में दो नोड निकलेंगे, तो जो रेडियल नोड है r एक्सिस के अलोंग दो बार क्रॉस करेंगे, ओके। 2s में एक नोड था, एक ही बार क्रॉस करेंगे। अब देखिए, अब जो p ऑर्बिटल का हम ग्राफ देखेंगे, वो क्या है, वो एकदम 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। 2p में कितने नोड होंगे, 0, तो एक बार भी r वाली एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब देखते हैं हम 3p में, 3p में कितने हैं नोड, 3p में एक नोड आता है, तो ये एक बार कट करेगा। अब आप एक चीज देखिएगा, जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, जो s ऑर्बिटल वाला है वो स्टार्टिंग से डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, पी वाला 0 से एकदम इंक्रीज हो रहा है, और जो डी वाला है उसमें क्या है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पी वाला एकदम स्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये एस पी और डी ऑर्बिटल में डिफरेंस है। 3D में एक भी नॉड नहीं है, तो एक बार भी ये क्रॉस नहीं करेगा आर एक्सिस को। नेक्स्ट हम देखेंगे वीरियल थ्योरम। देखिए वीरियल थ्योरम में क्या है कि सिंपल इसका इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे n क्या है, n जो है वो पावर है डिस्टेंस की। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, उस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जो डिस्टेंस का टर्म आता है उसके ऊपर कितनी पावर है, वो आपका n होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम t ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को v, ओके। अब देखिए जो SHO है उसका v का फॉर्मूला होता है 1/2 kx², तो अब x क्या आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब हाइड्रोजन एटम में देखते हैं, हाइड्रोजन एटम में क्या है, n की वैल्यू कितनी है, -1। देखिए अभी हमने हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, उसमें जो भी डिस्टेंस था वो 1/r में था, मतलब r का जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, -1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो अब n की जगह पे आप -1 डाल देंगे, तो अब इस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 v। भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, तो अगर आपको बेसिक पता है कि SHO और हाइड्रोजन एटम के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक्स की पावर कितनी है, तो आप उससे वीरियल थ्योरम की इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं, तो आप उससे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो बेस है गामा फंक्शन में। अब इसमें क्या होता है, देखिए आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो ये क्या है कि गामा फंक्शन लगा के बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो 0 to ∞ है, एक्स की पावर है एन, और आपके साथ एक्सपोनेंशियल टर्म है e^(-ax) और dx। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपके पास ऐसी कोई टर्म है तो आप उसमें क्या करेंगे, सिंपल जो उसका आंसर होगा वो होगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a n+1।
ए और एन आपका दोनों कांस्टेंट है, सिंपल आपको अगर ये इक्वेशन कहीं भी दिखे तो आप इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो गामा फंक्शन है वो है माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट सेम एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस केस में क्या, अगर एन आपका जो पावर है वो ऑड है तो आपकी टोटल वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी। सिंपल आप क्या लिख देंगे, जीरो को लिख देंगे, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एन की वैल्यू इवन है, जैसे टू है एन, जो एक्स की पावर टू आती है, एक्स की पावर फोर है, तो इस केस में क्या है, आप गामा की फंक्शन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये जो आपका कॉन्स्टेंट है एक्स के साथ, तो आपका सिंपल फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको इतने अच्छे मैथमेटिक्स में नहीं है तो नेक्स्ट क्या है कि काफ़ी बार साइन क्यूब थीटा डी एक्स जो जीरो से पाई के रेंज में है उसका इंटीग्रेशन होता है 4/3, और दूसरा है जीरो टू पाई के बीच में इंटीग्रेशन करना है आपको साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का, तो वो होता है 2/3 उसका आंसर होता है सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजिड रोटर। देखिए रिजिड रोटर क्या है, इसके लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आई, आई आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो एल होता है एल को आप एलोबरेट कर सकते हैं एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। जो आपका साई होता है, जो भी वेव फंक्शन होता है रिजिड रोटर के लिए, वो होता है एन आपका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट इन ई टू द पावर आई एम फाई। देखिए अब जो ग्राउंड स्टेट है उसके लिए जो फाई की वैल्यू है वो है, जो ग्राउंड स्टेट है उसके लिए वेव फंक्शन है वन डिवाइडेड बाई टू पाई ई टू द पावर आई एम फाई। जो फाई है उसकी लिमिट जीरो से टू पाई आपको पता है। जो एनर्जी होती है रिजिड रोटर की वो होती है बी जे जे प्लस वन। ओके, जे आपका वही एनर्जी लेवल है, जो भी जे जीरो वन टू थ्री। अब देखिए जो बी है वो आपका रोटेशन कांस्टेंट है जिसको आप एलिब्रेट करके लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आई, और इसे और बाकी जो दूसरा टर्म है उसमें आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू एच कट को आप एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट पाई स्क्वायर आई। देखिए अब डी जो जो होती है रिजिड रोटर की वो होती है सिंपल 2J+1, जे आपका वही एनर्जी लेवल है 0, 1, 2, 3। सो ये वीडियो सेकेंड पार्ट यहीं तक था, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्पिन मैट्रिक्स, लैडर ऑपरेटर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर परटुबेशन, और जो भी वेरिएशन प्रिंसिपल है वो सब हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट में लिखिएगा, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। आज